आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो एम्पियर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने परिपथ के लिए नियम दिया था, तो उसी नियम का नाम है एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए, कह रहा है कि बायो सावर्ट नियम को अभिव्यक्त करने का एक अन्य वैकल्पिक तथा रुचिकर उपाय भी है। तो बायो सावर्ट लॉ जो हमने पीछे पढ़ा है, उसको अगर हमें व्यक्त करना हो, रिप्रेजेंटेट करना हो, तो एम्पियर का परिपथीय नियम उसमें बहुत ज़्यादा सहायक है। एम्पियर के परिपथीय नियम में किसी खुले पृष्ठ जिसकी कोई सीमा हो पर विचार किया जाता है। ध्यान दीजिए, एम्पियर के परिपथीय नियम में किसी खुले पृष्ठ जिसकी कोई सीमा हो, यानी ओपन सरफेस होना चाहिए और लिमिटेड होना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, जिसकी कोई सीमा हो उस पर हम विचार कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए कि दो बातें निकल करके सामने आई, एक तो खुला पृष्ठ हो और जिसकी कोई सीमा हो, इस बात को ध्यान देना। इस पृष्ठ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जो ये ओपन पृष्ठ जिसकी कोई लिमिट है उसको लिया जाए, इसमें करंट फ्लो होता है। जैसा कि ये चित्र 4.12 में दिखाया गया है कि ये सरफेस है, देखिए ये सरफेस दिखाया जा रहा है और इसकी एक सीमा है, सीमा या बॉर्डर लाइन जो दी गई है, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बाउंड्री है, सीमा का मतलब बाउंड्री होगी और सरफेस ये जो ओपन सरफेस होगा, खुला पृष्ठ। तो इस प्रकार का कोई पृष्ठ होगा और इसमें करंट आई देखिए फ्लो होते हुए दिखाया गया है कि ऐसे करंट आई फ्लो हो रही है, तो इस पर पृष्ठ पर हम लोग एम्पियर्स लॉ के विषय में विचार करेंगे। तो कह रहा है कि हम यह विचार करते हैं कि सीमा रेखा बहुत से अल्प रेखा अवयवों से मिलकर बनी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो सीमा रेखा है, ये बॉर्डर लाइन बहुत छोटे 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 कंपोनेंट से मिलकर के बनी है, जैसा हम पीछे इसी आधार पर इंटीग्रेशन करते थे। कह रहा है कि ऐसे ही एक रेखा अवयव डीएल पर विचार कीजिए, जैसे पहले डीएल मानते थे वैसे छोटे से टुकड़े को, कंपोनेंट को डीएल मान करके उस पर विचार करना है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हम इस अवयव यानी कंपोनेंट यानी छोटे से टुकड़े पर चुंबकीय क्षेत्र के स्पर्श रेखीय घटक बीटी का मान लेंगे तथा इसे अवयव डीएल की लंबाई से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि स्पर्श रेखी को अंग्रेजी में टेंजेंट कहते हैं, इसलिए बीटी लिखा गया है, तो डीएल से इसका गुणा करेंगे। तो कह रहा है कि ध्यान दीजिए बीटी डीएल इक्वल टू बी डॉट डीएल, इस प्रकार के सभी गुणनफल एक दूसरे के साथ संयोजित किए जाते हैं। तो जैसा हम इंटीग्रेशन में करते थे कि छोटा सा टुकड़ा लेते थे और पूरे को संयोजित कर देते थे, तो पूरे भाग के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड या जो भी अन्य राशि निकालते थे वो निकल करके आ जाती थी। तो इसी प्रकार से यहाँ किया गया है बीटी डॉट डीएल, बीटी डीएल ये इक्विवेलेंट होगा या इक्वल होगा बी डॉट डीएल के, क्योंकि डॉट है, इससे समझ में आ रहा है कि यह अदिश गुणनफल यानी स्केलर प्रोडक्ट है, अगर क्रॉस होता तो उसका मतलब है कि वो वेक्टर प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार के सभी गुणनफल एक दूसरे के साथ संयोजित हो जाते हैं। हम सीमा पर विचार करते हैं क्योंकि जैसे जैसे अवयवों की लंबाई घटती है इनकी संख्या बढ़ती है। तो ध्यान दीजिए इस बॉर्डर पर हम विचार करेंगे। तो कह रहा है कि जैसे जैसे अवयवों की लंबाई घटती है,
जाहिर सी बात है कि लंबाई अवयव की घटेगी, यानी छोटा अवयव होगा, छोटा टुकड़ा होगा, तो छोटा टुकड़ा होगा तो संख्या बढ़ जाएगी। मान लीजिए कोई लंबाई है 10 सेंटीमीटर, अब बड़े बड़े टुकड़े लेंगे एक एक सेंटीमीटर के तो 10 होंगे, और अगर आधा आधा सेंटीमीटर के लेंगे तो 20 हो जाएंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि टुकड़ों की लंबाई जितना घटा रहे हैं संख्या उतनी बढ़ती जा रही है। तो वही बात कह रहा है कि हम सीमा पर विचार करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे अवयवों यानी टुकड़ों की लंबाई घटती है इनकी संख्या बढ़ती है, तब इनका योग एक समाकलन बन जाता है, तब इनका जो योग है ऐड करेंगे जब इसको तो वही समाकलन यानी इंटीग्रेशन बन जाता है। एम्पियर का नियम यह कहता है कि यह समाकलन पृष्ठ से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा का म्यू जीरो गुना होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा ये BT.dl है, तो इस प्रकार के सभी गुणनफल एक दूसरे को संयोजित करते हैं तो ये कहानी बनती है। कुल मिला के इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन से जो कुल विद्युत धारा मिलती है वो म्यू जीरो के गुना होती है, मतलब आई में म्यू जीरो गुना, जैसे यन गुना होता तो यन आई लिखते, तो म्यू जीरो गुना है तो म्यू जीरो आई है। तो यह इंटीग्रेशन का साइन है, देखिए BdL इक्वल टू म्यू जीरो आई हो जाएगा। इसको आप बॉक्स में बंद भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो इंटीग्रेशन है वो B.dl इंटीग्रेशन BdL या .dl कह सकते हैं क्योंकि बड़े अक्षर में लिखा है, तो ये हो जाएगा म्यू जीरो आई। यहाँ आई पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा है, इसको ध्यान देना है कि जो आई है हमारी ये पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत धारा है। इस समाकलन को या इंटीग्रेशन को पृष्ठ की सीमा रेखा सी के संपाती बंद के रूप के ऊपर लिया गया है। तो ध्यान दीजिए कि इस समाकलन यानी इंटीग्रेशन को पृष्ठ यानी सरफेस की सीमा रेखा जो है सी के संपाती बंद के ऊपर लिया गया है। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि द इंटीग्रल इज टेकन ओवर द क्लोज लूप कॉन्साइडिंग विद द बाउंड्री सी ऑफ द सरफेस, यानी जो समाकलन है वो जो बंद लूप है या बंद क्लोज लूप है उसमें क्या है कॉन्साइड मतलब उसके ऊपर रखा जाए तो उसको ढक लेगा, विद द बाउंड्री सी ऑफ द सरफेस, जो बाउंड्री है उसको सी माना गया है इस सतह की या सरफेस की। कुल मिला के कर्व्ड है तो कर्व्ड है तो ये सी जैसे दिखती ही है, देखिए सी जैसे बाउंड्री का नाम सी लिखा भी है और ये वैसे भी देखिए कर्व्ड है तो सी जैसे दिखती भी है, दोनों बातें मानी जा सकती हैं या समझी जा सकती। अब देखें यहाँ पर कह रहा है कि अपने दाएं हाथ की हथेली को उस दिशा में मोड़िए जिस दिशा में पास समाकल यानी इंटीग्रेशन, और देखिए क्लोज सरफेस है इसलिए यहाँ पर ये सर्किल बनाया गया है, BdL में सीमा रेखा मुड़ी है। तो कह रहा है अपने दाएं हाथ की उंगलियों को उस दिशा में मोड़ना है जिस दिशा में पास समाकल यानी BdL में सीमा रेखा मुड़ी है, तब अंगूठे की दिशा उस दिशा को बताती है जिसमें विद्युत धारा को धनात्मक माना गया है। तो ये चीज हम लोग करके देखते हैं। तो ध्यान दीजिए कि यहां पर देखिए जो फिगर है, इस फिगर में तो इसमें देखिए क्या करेंगे कि ये जो बॉर्डर लाइन है बाउंड्री है इस दिशा में अगर हम अपनी उंगलियों को मोड़ेंगे दाएं हाथ की उंगलियों को अगर ऐसे ऐसे मोड़े उंगलियों को इस तरह तो अंगूठा इधर को जाएगा, तो यही धनात्मक दिशा है आई की यानी करंट की। तो यही चीज हमसे कह रहा है कि उपरोक्त संबंध में दिशा सम्मिलित है जो दक्षिण हस्त नियम से प्राप्त होती है, अपने दाएं हाथ की उंगलियों को उस दिशा में मोड़िए जिस दिशा में पास समाकलन BdL
में सीमा रेखा मुड़ी है, तो सीमा रेखा मुड़ी है उस दिशा में, दाएं हाथ की उंगलियों को मोड़ेंगे तो अंगूठा हमारा इधर को जा रहा है, इधर को, तब अंगूठे की दिशा उस दिशा को बताती है जिसमें विद्युत धारा को धनात्मक लिया गया। बहुत से अनुप्रयोगों के लिए समीकरण 4.13 का कहीं अधिक सरलीकृत रूप पर्याप्त सिद्ध होता है। तो 4.13 जो हमने प्राप्त किया है ये, तो बहुत सारे स्थानों पर इसका और सिंपल रूप हमको देखने को मिलता है। हम यह मानेंगे कि इस प्रकार के प्रकरणों में ऐसे पास यानी ऐसे लूप जिसे एम्पियरीय पास कहते हैं का चयन संभव है, जो इस प्रकार का है कि पास के प्रत्येक बिंदु पर या तो बी पास के स्पर्श रेखी है तथा शून्येतर नियतांक बी है, अथवा बी पास के अभिलंबवत है, अथवा बी नष्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम जिसे ऐसे पास लेंगे जिनको एम्पियर पास कहते हैं, तो उनमें बी का चयन करना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो पास के प्रत्येक बिंदु पर जो बी है वो या तो स्पर्श रेखी होगा, टेंजेंशियल जिसको कहेंगे, तथा शून्येतर नियतांक, शून्येतर का मतलब जो शून्य ना हो, नॉन जीरो, अथवा बी पास के अभिलंबवत है या लूप के परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पर एकदम खड़ा, अथवा बी नष्ट हो जाता है यानी बी समाप्त हो जाता है। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देखते हैं। बी टेंजेंशियल यानी स्पर्श रेखी टू द लूप, लूप के स्पर्श रेखी होगा या तो नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, शून्येतर नियतांक होगा, बी नॉर्मल भी हो सकता है लूप के यानी लंबवत, या बी वैनिसेज हो जाता है यानी नष्ट हो जाता है। तो ये तीन कंडीशन हम लोग देखने को पा सकते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि अब मान लीजिए एल पास की वो लंबाई वाला भाग है जिसके लिए बी स्पर्श रेखी है, तो कह रहा है कैपिटल एल हम लोग वो लूप की या पास की लंबाई लेंगे जिसके लिए बी जो है या मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है यानी स्पर्श रेखी है। तो कह रहा है मान लीजिए पास में परिबद्ध विद्युत धारा आईई है, जो लूप है उसमें आईई करंट का फ्लो हो रहा है, उसमें मतलब परिबद्ध है या बंधी हुई है, तब समीकरण 4.13 को इस प्रकार लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, बीएल इज इक्वल टू मी जीरो आईई। तो ध्यान दीजिए अगर जो है इस बंद लूप में कोई लंबाई L ले लिया जाए, तो उसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच संबंध निकालना चाहें तो म्यू जीरो आई ई तब बी एल के बराबर होगी, B यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी और L जो लंबाई का पास की लंबाई L ली गई है उसका गुणनफल बराबर होगा म्यू जीरो आई ई। इसको ध्यान देना, जब किसी निकाय यानी सिस्टम में इस प्रकार की सम्मिति हो जैसे कि चित्र 4.13 में सीधे विद्युत धारावाही अनंत तार के लिए, तो अगर स्ट्रेट लाइन में कोई इनफाइनाइट लंबाई का कोई तार हो और उसकी बात की जाए, तो ऐसे सीधे विद्युत धारावाही अनंत तार के लिए जैसा चित्र 4.13 में दिखाया गया है, तो कह रहा है ऐसा सिमेट्रिकल अगर तार ले लिया जाए और उसमें करंट का फ्लो हो रहा हो, तब एम्पियर का नियम हमें चुंबकीय क्षेत्र का एक सरल मूल्यांकन करने योग्य बनाता है, जो ठीक उसी प्रकार है जैसे कि गाउस नियम विद्युत क्षेत्र को निर्धारित करने में हमारी सहायता करता है। तो ध्यान दीजिए अगर कोई तार अनंत लंबाई का है और सिमेट्रिकल यानी सममित में है यानी सब जगह बराबर मोटाई में है, तो एम्पियर्स लॉ के माध्यम से हम लोग उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र का मूल्यांकन कर सकते हैं जैसे विद्युत क्षेत्र का मूल्यांकन हम लोग गाउस नियम के द्वारा करते थे। इसे नीचे दिए गए उदाहरण 4.8 में दर्शाया गया है।
पास की सीमा रेखा का चयन एक वृत्त है। पास यानी लूप की सीमा रेखा का चयन एक वृत्त है यानी सर्किल है, तथा चुंबकीय क्षेत्र वृत्त की परिधि के स्पर्श रेखी है। तो ध्यान दीजिए कि जो पास की सीमा रेखा है वो एक सर्किल है, और उस सर्किल पर टेंजेंशियल यानी स्पर्श रेखी चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र है। तो समीकरण 4.13 बी के वाम पक्ष के लिए यानी लेफ्ट हैंड साइड वाले के लिए, बाएं हाथ के लिए पक्ष के लिए इस नियम से प्राप्त मान बी इंटू 2πr है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लंबाई L थी, लेकिन अगर कोई वृत्त हो तो वृत्त अगर है तो वृत्त को अगर काट दिया जाए कहीं से, रस्सी मान लो वृत्ताकार है, काट दिया जाए तो वही L लंबाई की रस्सी हो जाएगी, और उसी को मोड़ दिया जाए तो वृत्त बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है वृत्त की परिधि L लंबाई के बराबर हो गई, तो L की जगह यहाँ पर 2πr लिखेंगे, क्योंकि अब पूरे वृत्त यानी सर्किल की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए b इंटू 2πr लिखेंगे इस जगह। हम यह पाते हैं कि तार के बाहर r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र स्पर्श रेखी है, तथा इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिए कि अगर वृत्ताकार है तो b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू जीरो आई हो जाएगा तब फार्मूला। अगर देखिए l लंबाई का तार है तो इस तरह होगा, अगर सर्कुलर लूप है वृत्ताकार लूप है तो इस तरह लिखेंगे, और अगर बी निकालना है तो ये इधर चला जाएगा। कुल मिला के मूल हमारा यही फार्मूला काम करता रहेगा। अब देखिए आगे देखते हैं, अब देखिए कह रहा है कि उपरोक्त परिणाम अनंत लंबाई के तार के लिए है जो कई दृष्टिकोणों से रोचक है। तो ध्यान दीजिए जो भी रिजल्टेंट हमारे निकले हैं ये सब इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए हैं, और इनके आधार पर हम नीचे कई तथ्य निकाले गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि इसमें यह अंतर्निहित है यानी इसके अंदर ये बताया जाएगा कि r त्रिज्या के वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र का परिमाण समान है। तो अगर r रेडियस का कोई सर्कुलर लूप है या सर्किल है तो उस और वो हाँ तो उसके प्रत्येक बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड सब जगह इक्वल है। अब ध्यान दीजिए कि मैग्नीट्यूड इक्वल तो है लेकिन किस दिशा में, क्या उसकी स्थिति है। तो बता रहा है कि तार को अक्ष के अनुदिश रखते हुए, तो तार को अगर हम एक्सिस के अनुदिश रखें तो क्षेत्र का परिमाण एक समान है प्रत्येक बिंदु पर। तो यहाँ पर देखिए नीचे कह रहा है कि दूसरे शब्दों में चुंबकीय क्षेत्र में बेलनाकार सममित है यानी सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, जो क्षेत्र सामान्यतः 3 निर्देशांकों पर निर्भर कर सकता है, केवल एक ही निर्देशांक r पर निर्भर है। तो जो क्षेत्र सामान्यतः 3 निर्देशांकों यानी x, y, z जो प्लेन होते हैं या एक्सिस होते हैं उस पर निर्भर करता है, केवल एक ही निर्देशांक r पर निर्भर है। जहां कहीं भी सममित होती है समस्याओं के हल सरल हो जाते हैं। तो जहां कहीं भी सिमेट्री वाली कंडीशन होगी यानी सब जगह एक ही जैसी वाली स्थित होगी तो वहाँ पर हम किसी समस्या का समाधान निकालेंगे या हल करेंगे तो वहाँ पर सिंपल तरीके से हम रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि इस वृत्त के किसी भी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा इसके स्पर्श रेखी है। तो जो सर्कुलर लूप हमने लिया है या वृत्ताकार छल्ला लिया है जो भी है जिसमें पृष्ठ है, छल्ला तो नहीं कह सकते, छल्ले में पृष्ठ बहुत कम होता है, तो यहाँ भी मतलब कुल मिला के पृष्ठ है, तो इस वृत्त के किसी भी बिंदु पर क्षेत्र की दिशा इसके स्पर्श रेखी है यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की नियत परिमाण की रेखाएं
संकेंद्री वृत्त बनाती है। तो ध्यान दीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाती है, यानी उनका सेंटर एक ही होगा। जैसे महिला के हाथ में बराबर नाप की चूड़ी पहनाई जाती हैं, तो अगर हम महिला के हाथ को एक्सिस मान लें, अक्ष मान लें, तो जो समान चूड़ियां हैं ये मैग्नेटिक फील्ड दर्शाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि एक ही धुरी पर सारी चूड़ियां हैं, तो कहने का मतलब वो संकेंद्री या कॉन्सेंट्रिक। अब चित्र 4.1C पर ध्यान दीजिए। अब चित्र 4.1C देखते हैं। ये देखिए 4.1C फिगर है, इसमें देखिए यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, तो जो लोहे के छोटे छोटे कण हैं इस प्रकार से ऐसे यहाँ पर अपना ये सर्कुलर लूप ले लेते हैं, मतलब वृत्ताकार इस तरह से इकट्ठा हो जाते हैं। तो चूंकि इनका सेंटर एक ही है तो इनको कॉन्सेंट्रिक कहेंगे या संकेंद्रित कहेंगे। तो जैसे महिला के हाथ में चूड़ियां सब बराबर होती हैं, तो जरूरी नहीं कि बराबर हो, छोटा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उनका अक्ष एक ही होगा, ये चीज ध्यान देना है। तो यही कह रहा है देखिए कि अब चित्र 4.1C पर ध्यान दीजिए। लाव और चूर्ण वृत्त संकेंद्री में व्यवस्थित हुआ है, कहने का मतलब सेंटर एक ही है, उसी में ऐसे छोटे बड़े वृत्त बन गए हैं जिनका केंद्र बिंदु एक ही है। ये रेखाएं जिन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं बंद पास बनाती हैं। तो बंद पास बना रही हैं या बंद लूप बनाती हैं। यह स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से भिन्न है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थी जो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था उनसे ये भिन्न है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेशों से आरंभ तथा ऋण आवेशों पर समाप्त होती हैं। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थी वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती थी और निगेटिव चार्ज पर खत्म होती थी। आप चैप्टर नंबर 1 देखेंगे तो वहां हमने पढ़ाया था। तो यहाँ पर क्या है, ये सर्कुलर लूप में बंद पास बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। सीधे विद्युत धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक आर्स्टेड प्रयोग का सैद्धांतिक स्पष्टीकरण करता है। तो सीधे विद्युत धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक आर्स्टेड प्रयोग का सैद्धांतिक स्पष्टीकरण करता है। तो आर्स्टेड नामक साइंटिस्ट ने जो प्रैक्टिकल किया था, तो हमने सीधे स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, तो वो आर्स्टेड के जो प्रैक्टिकल है उनको प्रूफ करता है, ये कहने का मतलब। अब आगे देखते हैं, कह रहा एक अन्य ध्यान देने योग्य रोचक बात यह है कि यद्यपि तार अनंत लंबाई का है तथापि शून्येतर दूरी पर इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अनंत नहीं है। तो भले ही हम तार इनफाइनाइट लंबाई का ले लें, लेकिन अगर किसी नॉन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर यानी शून्येतर दूरी पर यानी जो नॉन जीरो हो वहां पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो यह अनंत नहीं है, इस बात को ध्यान देना। यह केवल तार के अत्यधिक पास आने पर विस्फुटित होता है। यह क्षेत्र विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती है तथा विद्युत धारा स्रोत यानी अनंत लंबाई के से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ध्यान देना है कि कोई अनंत लंबाई का तार है, उसमें अगर किसी परिमित डिस्टेंस पर शून्येतर का मतलब जो जीरो ना हो वहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो वो मैग्नेटिक फील्ड अनंत नहीं होगा। यह केवल तार के अत्यधिक पास आने पर विस्फुटित होता है। तो तार के जब हम बहुत पास आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। यह क्षेत्र विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तथा विद्युत धारा स्रोत से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। जो करंट का सोर्स है उससे दूरी के यानी डिस्टेंस से व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फार्मूला हम देख ही चुके हैं।
अब देखिए आगे कह रहा है कि लंबे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने का एक सरल नियम है। इस नियम को दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। इस प्रकार से तो दक्षिण हस्त नियम यानी राइट हैंड रूल के आधार पर हम लंबे तार में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित कर सकते हैं। तो तार को अपने दाएं हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि आपका तना हुआ अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे। तो एक सरिया है जैसे, उसको खड़ा ले लिए, तो उसमें अंगूठा उधर रखना है जिधर धारा करंट का फ्लो हो रहा हो। अब आपकी उंगलियों के मुड़ने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। तो ध्यान दीजिए कि दक्षिण, इसके ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालते समय दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम पढ़ा था, यानी राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड रूल है, थंब नहीं है, इसमें अंगूठा नहीं है। तो राइट हैंड रूल में क्या है कि तार जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो जिस दिशा में करंट फ्लो हो रही हो उस दिशा में हमको अंगूठा रखना है। तो उंगलियां जिस दिशा में मुड़ेंगी वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये चीज हमको ध्यान देना। अब देखिए आगे, एम्पियर का परिपथीय नियम बायो सेवर्ट नियम से भिन्न नहीं है। दोनों ही नियम विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र में संबंध व्यक्त करते हैं तथा दोनों ही स्थायी विद्युत धारा को समान भौतिक परिणामों को व्यक्त करते हैं। जो संबंध एम्पियर के नियम तथा बायो सेवर्ट नियम के बीच हैं, ठीक वही संबंध गॉस नियम तथा कूलाम नियम के बीच में है। तो ध्यान दीजिए कि कोई चीज किसी से अलग नहीं है। जो मैग्नेटिक फील्ड में है वही इलेक्ट्रिक फील्ड में है। बस फर्क इतना है कि मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में गॉस नियम और कूलाम नियम के बीच में जो संबंध था, वही मैग्नेटिक फील्ड में एम्पियर्स लॉ और बायो सेवर्ट नियम के बीच में। ये तथ्य निकल करके सामने आया। एम्पियर का नियम तथा गॉस का नियम दोनों ही परिरेखा अथवा परिपृष्ठ पर किसी भौतिक राशि चुंबकीय अथवा विद्युत क्षेत्र का संबंध किसी अन्य भौतिक राशि जैसे अंतः क्षेत्र में उपस्थित स्रोत विद्युत धारा अथवा आवेश के बीच संबंध व्यक्त करते हैं। ये चीज निकल करके सामने आई, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो कुल मिलाकर के गॉस लॉ और एम्पियर्स लॉ, ये विद्युत धारा और आवेश किसी बंद जगह पर, तो उनको व्यक्त करने के लिए काम आते हैं। कह रहा है यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि एम्पियर का परिपथीय नियम केवल उन स्थायी विद्युत धाराओं पर लागू होता है जो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। ध्यान दीजिए कि एम्पियर्स रूल वहाँ पर लागू करेंगे कि जो करंट टाइम के साथ बदलती नहीं, यानी करंट स्थायी होना चाहिए। अस्थायी करंट है अगर, तो एम्पियर का परिपथीय नियम लागू नहीं होगा। अब देखें यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित उदाहरण हमें परिबद्ध विद्युत धारा का अर्थ समझने में सहायता करेगा। तो नीचे एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो ये परिबद्ध विद्युत धारा का अर्थ समझाने में सहायता करेगा। तो इसको पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा जो नीचे लिखा है इसको देख लेते हैं। कह रहा है कृपया ध्यान दीजिए, दो सुस्पष्ट यानी पृथक नियम है जिन्हें दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। इनमें से एक नियम विद्युत धारा पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा देता है तथा दूसरा सीधे विद्युत धारा वाही चालक तार के लिए बी की दिशा है। इन नियमों में अंगूठों तथा उंगलियों की भिन्न भूमिका है। तो यही जो हमने आपको बताया कि एक दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा केवल राइट हैंड रूल है, दक्षिण हस्त नियम है। तो वही अंतर आप गड़बड़ न करें तो नीचे दिया गया है, इसको चाहे तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि चित्र 4.13 में एक लंबा सीधा वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट का जिसकी त्रिज्या ए है, विद्युत धारावाही तार जिससे स्थायी विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही हो
दर्शाया गया है, ये आई करंट फ्लो हो रही है। कह रहा है स्थायी विद्युत धारा इस अनुप्रस्थ काट पर एक समान रूप से वितरित है। तो करंट जो स्थायी इसमें प्रवाहित हो रही है वो सब जगह एक समान रूप से बटी हुई है। क्षेत्रों आर स्मॉलर देन ए तथा आर ग्रेटर देन ए में चुंबकीय क्षेत्र परिकलित कीजिए। तो एक बार ये आर इस जो हमारा तार का डायमीटर है उससे कम है और एक आर तार के डायमीटर यानी व्यास से ज्यादा है, दोनों में चुंबकीय क्षेत्र को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कह रहा है पहले ए वाले में जब ए स्मॉलर देन आर है यानी ए पॉइंट अंदर है इस मोटे तार के अंदर है, तो कह रहा है कि प्रकरण आर इज ग्रेटर देन ए पर विचार कीजिए। पहले देखिए इस पर विचार कर रहा है, कह रहा है जिस पास पर दो अंकित है, ये दो अंकित है, ये पॉइंट लिया गया है तो ये वृत्ताकार पास यानी लूप आएगा, पर दो अंकित है वो अनुप्रस्थ काट के साथ संकेंद्रीय वृत्त के रूप में एम्पियर पास है। तो इस पास के लिए क्या होगा, अगर ये पूरे पास को किसी रस्सी से बनाया जाए और रस्सी की लंबाई एल हो तो एल बराबर कितना होगा, क्योंकि इसी एल लंबाई की रस्सी को वृत्ताकार कर दिया गया तो वृत्त की परिधि जो होगी वो एल के बराबर होगी, तो एल बराबर 2πr हो जाएगा जैसा हमने पीछे पढ़ा। अब I इक्वल टू पास द्वारा परिबद्ध विद्युत धारा इक्वल टू I, तो अब इस पास में जो परिबद्ध विद्युत धारा है क्योंकि सब जगह एक समान वितरण है, कह रहा है एक समान रूप से वितरित है धारा, तो यहाँ पर I है तो यहाँ पर भी पूरे में I होगी, जितना भाग यहाँ पर तार का आ रहा है तो I होगी। यह परिणाम किसी सीधे लंबे तार के लिए सुपरिचित व्यंजक है, तो सीधा लंबा तार है तो मी जीरो आई बराबर बी इंटू एल होगा जैसा हमने पीछे पढ़ा था, अब एल की जगह 2πr रख देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा बी बराबर मी जीरो आई अपान 2πr, तो यहाँ पर बी समानुपाती हो जाएगा 1πr के। ये तब है जब r ज्यादा है a से, इसको ध्यान देना। आप देखिए अब इस विषय पर चर्चा करना है जब r कम है a पर a से, तो इसके लिए एम्पियर पास वो वृत्त है जिस पर i अंकित है, इस पास के लिए वृत्त की त्रिज्या r लेने पर, तो वृत्त की त्रिज्या r लेंगे, वृत्त की त्रिज्या अगर हम r ले लेंगे तो आप देखिए यहाँ पर बारीकी से समझेंगे तो यहाँ पर जो ये एल बराबर 2πr है और यहाँ पर एल बराबर 2πr है तो दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि यहाँ पर जो r था वो इस तार की मोटाई से ज़्यादा था तो सब जगह विद्युत धारा एक समान थी तो I वैल्यू रखी गई थी, लेकिन जब ये r छोटा वाला लेंगे तो ये डॉट डॉट अंदर वाला हो जाएगा तो ये तार की मोटाई से कम हो गया, तो पूरे में करंट आई जा रही है लेकिन यहाँ पर करंट आई नहीं होगी, आई से कम होगी क्योंकि ये कम मोटाई ली गई है तार से भी कम, तो इसमें कितनी करंट फ्लो होगी उसको कैसे हम निकालेंगे, तो वो निकाला जाएगा आई इक्वल टू टोटल करंट जितनी प्रवाहित हो रही है आई और जितना ये एरिया कम वाला लिया गया है, कम वाले का क्षेत्रफल बटे ज्यादा वाले का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर अपान पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये तार ज्यादा, मतलब ये पूरे तार की जो मोटाई है उसकी जो त्रिज्या है वो ए ली गई है और छोटे वाले की आर वन ली गई है या छोटा आर हो जो भी हो, कुल मिला के अंदर वाले का क्षेत्रफल बटे बाहर वाले के लूप का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर अपान पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कम बट कम वाले का क्षेत्रफल बटे ज्यादा वाले का, कम बटे ज्यादा हमने आपको बताया था कि लिखा जाता है ज्यादातर। तो यहाँ पर आई इक्वल टू आई पाई आर स्क्वायर अपन पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, पाई पाई कट जाएगा तो आई आर स्क्वायर अपन ए स्क्वायर होगा। तो एम्पियर के नियम का उपयोग करने पर क्या होगा, बी इंटू एल की जगह 2πr हो जाएगा इक्वल टू
म्यू जीरो आई होता है, तो अब यहाँ पर आई की जगह ये वैल्यू उठा कर रखेंगे आई आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू, अब ये टू पाई आर नीचे चला जाएगा तो आर से आर कट जाएगा, तो म्यू जीरो आई अपान टू पाई ए स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, तो बी समानुपाती होगा आर के। तो यहाँ पर देखिए दोनों में अंतर है, यहाँ पर जब आर ग्रेटर देन ए है तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, और यहाँ पर जब आर स्मॉलर देन ए है तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, जब आर स्मॉलर देन ए है, और बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के जब आर इज ग्रेटर देन ए। इन बातों को ध्यान देना। तो अब यहाँ पर देखिए फिगर बनाया गया है, इस फिगर को ध्यान दीजिए, ये फिगर यहाँ पर यहाँ सेंटर से लिया जा रहा है, जो तार का सेंटर है, तार के सेंटर से यहाँ पर तार के सतह तक सरफेस तक सब जगह मैग्नेटिक फील्ड बी समानुपाती आर है, तो दोनों में वन वन पावर में है, तो वन वन पावर में है तो जाहिर सी बात है कि सीधी रेखा होगी, तो यहाँ तक सीधी रेखा आ गई। अब इसके बाद जब सतह से बाहर की ओर जाते हैं तो बी हमारा वन अपान आर के तुलना में है, यानी जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे बी वाली लाइन नीचे आ रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जा रही है। तो ये देखिए फिगर हमने इस तरह बनाया, आप देखिए यहाँ पर बता रहा है कि चित्र 4.14 में बी के परिमाण तथा तार के केंद्र से दूरी आर के बीच ग्राफ दर्शाया गया है, जो अभी देखा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अपने अपने वृत्ताकार पासों 1 अथवा 2 के स्पर्श रेखीय है। देखिए दिशा चुंबकीय क्षेत्र की हमेशा टेंजेंशियल ही रहेगी, तथा यह इसी अनुभाग में पहले वर्णन किए जा चुके दक्षिणस्थ नियम से निर्धारित की गई है, जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा। इस उदाहरण में आवश्यक सममित विद्यमान है, इसलिए इसी पर एम्पियर का नियम आसानी से लागू किया जा सकता है। तो चूंकि सिमेट्रिकल तार है, सममित वाला तार है, सब जगह एक समान है तार, इसलिए यहाँ पर एम्पियर नियम लागू किया जा सकता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जबकि एम्पियर के परिपथीय नियम को किसी भी पास पर लागू किया जा सकता है, परंतु यह हर प्रकरण में चुंबकीय क्षेत्र का मूल्यांकन सदैव ही आसान नहीं बनाता, मतलब हर जगह एम्पियर के नियम से आसानी से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें जरूरी नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि हर जगह हम एम्पियर्स ला का यूज करके आसानी से मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते। करा उदाहरण के लिए अनुभाग 4.5 में वर्णन किए गए वृत्ताकार पास के प्रकरण में इसे सरल व्यंजक बीच क्वल टू मी जीरो आई अपान टू आर, जैसा कि समीकरण 4.12 में लिखा गया है, को जो कि पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए है, प्राप्त करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता। तो ध्यान दीजिए कि पास के केंद्र बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो निकाला गया है, तो वहां पर हम एम्पियर लॉ को यूज नहीं कर सकते। तथापि ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जिनमें उच्च सममित होती है तथा इस नियम को सुविधापूर्वक लागू किया जा सकता है। तो मतलब सिमेट्री जहां पर होगी वहीं पर एम्पियर लॉ का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अगले अनुभाग में हम इसका उपयोग दो सामान्यतः उपयोग होने वाले अत्यंत उपयोगी चुंबकीय निकायों परिनालिका तथा टोराइड द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों को परिकलित करने में करेंगे। तो सोलिनॉइड और टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम एम्पियर्स लॉ का यूज करेंगे। तो अब आगे परिनालिका यानी यानी सोलिनॉइड का हम लोग स्टडी अब करेंगे। तो परिनालिका की स्टडी अब हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, आज बस यहीं तक।